गवर्नमेंट जॉब वैसे भी नहीं मिलनी थी, 5 फुट के आदमी है हम, पुलिस फौज लाई खाए नहीं, समझे। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं ऋषि सिंह व्लॉग्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तारीख आज अपनी 7 जुलाई 2023 और समय हो रहा है सुबह के भाई 10:23 और मुझे घर से ना निकले हुए भाई कम से कम हो चुका है 1 घंटा, बिकॉज मैं 9:30 पे घर से निकल आया था यार। अच्छा उसके बाद मुझको गैस भी डलानी थी, तो भाई गैस भी अपन ने डलवा ली, 513 रुपए की आई भाई, ठीक है। अच्छा कल हमने बोला भी था ना आपसे कि कल बहुत ज्यादा गाड़ी जो है नहीं चली है, जिसकी वजह से गैस ना कमी आएगी, तो भाई 513 में ही फुल हो गई अपनी टंकी, ठीक है। और अभी ना भाई डिवाइस मैं ऑन करने जा रहा हूँ, बिकॉज यार हुआ गया था कि भाई घर पे ना निकलते निकलते मतलब कल रात में लेट भी हो गया था भाई, 1:30 बज गया था घर पहुँचते पहुँचते, फिर 2 बज गया था सोते सोते, क्योंकि यार रात में 1 बजे तो वहीं से छूटे थे, है ना दोस्त। तो उसके बाद सीन क्या हुआ यार कि सुबह लेट उठे तो भाई लेट उठे और नहावा के बस तुरंत निकला, फिर गाड़ी भी नहीं साफ थी यार, तो गाड़ी भी जो है साफ करी, ठीक है, गैस भी बीच में डलाई। अच्छा वीडियो भी नहीं अपलोड करी थी भाई, वीडियो भी अपलोड करी। अच्छा सुबह सुबह का एक टास्क ये भी होता है कि वीडियो भी अपलोड करनी है भाई, है ना ब्रो। तो ये चीज़ है, तो इस सब कार्य सारे कामों में ना भाई हमको 1 घंटा तो लगभग हो ही गया है। तो अभी ना दोस्तों करते गए हैं, डिवाइस को ऑन करते हैं और वेट करते हैं और देखते हैं कि अपना आज का दिन कैसा रहने वाला है, काम कितना होगा कितना नहीं होगा, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा या सारा कुछ, ठीक है दोस्तों। बाकी आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ना दोस्तों फटाफट से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। करते हैं वेट और देखते हैं आज का दिन अपना कितना अच्छा जाने वाला है, ठीक है। आप बगल में बैठे हुए अपने आशु भाई को देख रहे होंगे और आशु भाई को अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे जा करके ना सबसे स्टार्टिंग के जो सबसे पहले वीडियो हमने बनाए थे, मतलब स्टार्टिंग से ना 3रा वीडियो मेरा आशु भाई के साथ में था, उसका टाइटल था गांव से आया मेरा दोस्त। और अगर आप उसको घर पे देख रहे हैं वीडियो को, मतलब अब मेरे बताने के बाद अगर आप उसको देखने जाते हैं तो थोड़ा सा हैंड फ्री का उपयोग करिएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें एक आध दो चीजें मतलब फ्लो में निकल गई हैं, वो थोड़ा आप घर में बैठ के नहीं सुनिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज उसमें थोड़ा सा अपशब्द है एक आध दो, वो देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जो भावनाएं व्यक्त करने के लिए कभी कभी उन शब्दों का प्रयोग बहुत ज्यादा, जब से हम असुर देख लिए ना तब से हमारी हिंदी बहुत निकल रही है, बहुत ज्यादा निकल रही है, शुद्ध हिंदी, बहुत शुद्ध हिंदी निकल रही है। तो दोस्तों मैं बता दूं, अभी आशु जो है आया था गांव से अपने दोस्त के साथ में, तो केशवपुरम तक आया था, फिर वहां से ई रिक्शे से अपना मेरे पास आ गया था। और अभी ना मैं बता दूं आपको कि ओला से तो मेरी कोई राइड आई नहीं है, ठीक है, मेरे पास एक प्राइवेट राइड आई है। तो कॉन्फिडेंस की बात यह है कि हमको केशवपुरम से ही उन भैया को भी लेना है, तो हम क्या बोले आशु से कि भाई अपन बैठ भी लिए 1.5 घंटे तो तुमको छोड़ भी देंगे, तो तुम्हारा किराया भी बच जाएगा, क्यों आशु भाई। ये चीज है क्योंकि आशु भाई अपने जो है मनी राम भैया बहुत इंपॉर्टेंट होता है अभी, लेकिन यार तुम तो इंजीनियर आशु भाई अपने जॉब करते हैं, और आशु भाई की जॉब का सबसे अच्छा सीन ये है कि आशु भाई जो है जब से जॉब किए तब से ऑफिस नहीं जाना पड़ा, वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, बताइए ये होती है नौकरियां। हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, आज फ्राइडे का दिन है और जॉब चल रही है, घूम रहे हैं, बताइए ये चीज होती है भाई, ये माया, मतलब कुछ भी कहिए यार, बताइए नाम क्या आगे इंजीनियर साहब लगा हुआ है, अरे दिल इधर उधर मार घुमा करते हैं दिन भर। तो आशु भैया फिर जॉब का कैसा क्या चल रहा है आपका? जॉब तो इस समय ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, काम वैसे भी नहीं करना पड़ता है, और आराम से घूमो फिर मौज काट दो, कानपुर घूम रहे हैं आज। सही है भाई। हाँ तो यही है दोस्तों, फिलहाल आशु भाई का जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये पढ़ाई करके जो है जॉब कर रहे हैं, एक हम लोग हैं बताओ, कोई वही नहीं है। MCA किया है हमने, क्यों कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, इस वजह से किया था कि और कुछ कोई ऑप्शन बचा नहीं था करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब वैसे भी नहीं मिलनी थी, 5 फुट के आदमी है हम, पुलिस फौज लाइक है नहीं, समझे, और सिविल लाइक दिमाग नहीं है, तो जो इंजीनियर होता है ना तो इंजीनियर छोड़ के सब होता है, समझ गए। इंजीनियर जो होता है भाई वो, हाँ वो इंजीनियर छोड़ के सब होता है, वो केवल इंजीनियरिंग ही नहीं आती उसको, और सब आता है उसको, क्योंकि कॉलेज में इतना सिखाया जाता है कि लिए जोड़ा कपल पड़े रहते हैं वही अंदर, बस यही देखते रहो, पढ़ना वाना किसी को है नहीं, कॉलेज जाते हैं मौज के लिए। सही तो बात, क्या तो पढ़ा रहा है प्रोफेसर, मतलब ही नहीं, अपना इंटरनेट से लगे पड़े हैं, बताओ अब वो पता नहीं कहा के पैसे ले रहा है, पता नहीं चल रहा है। सही है, पिछली बार अपने आशु भाई आए थे, हम आशु भाई को गंगा बैराज घुमाए थे, इस बार कहीं नहीं घुमा पाए हैं, हम आशु भाई से कह रहे हैं कि यही कानपुर में जो है शिफ्ट हो जाओ। आशु भाई हमारे गांव वाले घर के जस्ट बगल वाले में, मतलब हमारे भाई साहब हैं ये,
और परिवार के ही हैं अपने भाई, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो भाई बोल रहे हैं यहीं पे आ जाओ बढ़िया कानपुर में, दोनों भाई रहेंगे एकदम बेहतरीन, दोनों भाई साथ में मिलकर व्लॉग बनाएंगे। क्यों आशु भाई? लेकिन भाई के सब्सक्राइबर 5,000 हो जाएंगे तो भाई के साथ में बढ़िया पार्टी होनी है। भाई ने हमसे वादा किया है अच्छी पार्टी होगी। पार्टी लोगे काहे में? पार्टी पार्टी कहीं बैठेंगे चल के बढ़िया अच्छी जगह फूड कोर्ट में चलेंगे। बैठ चुके तो चलो दोस्तों इनको भाई डालेंगे। 5,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो पार्टी लेंगे फिर वीडियो बनाएंगे आप लोगों के साथ में। दोस्तों चलते हैं आशु भाई को छोड़ते हैं, अपने भैया को लेते हैं और उसके बाद जो है फिर मस्त जो है अकबरपुर वाली राइड को कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं ना अकबरपुर के पास पहुंच चुका हूं। पास क्या मतलब, अकबरपुर के अंदर ही आया हूं मैं, तो भैया को भी मैंने अभी फिलहाल ड्रॉप कर दिया है। तो भाई यहां पे खड़े होके ना करते हैं वेट और देखते हैं भैया का काम कितनी जल्दी निपट जाता है ना। जैसे ही भैया का काम निपटेगा तो वो अपन को फोन करेंगे, उनको भैया को लेंगे। पीछे की तरफ एक ऑफिस बना हुआ है वहीं पे मैं उनको लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, और अकबरपुर में ना भाई मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बिकॉज भाई बारिश हो रही है, रोड़े वोड़े देख सकते हैं आप, मिट्टी विट्टी सारी गीली है और गाड़ी में भी पानी जो है काफ़ी आ चुका है। क्योंकि जब हम अकबरपुर पहुँचे थे ना भाई तो बारिश काफ़ी तेज हो रही थी, अभी तो बारिश जो है काफ़ी सही हो गई, मतलब धीमी हो गई है, खाली पौछारे टाइप की गिर रही है। ठीक है तो करते हैं फिर दोस्तों और देखते हैं भैया कितनी देर में आते हो, हम अपन लोग कानपुर कब पहुंचेंगे। ठीक है तो आप लोगों को ये रोड तो जानी पहचानी लगी रही होगी, मतलब कि भाई ये है अपने कानपुर की रोड। ठीक है, वो भी कानपुर के हर्ष नगर की रोड, और वो भी हर्ष नगर के पास जो अपना विजय स्वरूप पार्क है, मतलब हर्ष नगर के ही अंदर, ये उसकी रोड है ब्रो। सामने से आपको एक कट दिखेगा और उस कट से मुझको लेना है इंडिकेटर, सॉरी देना है इंडिकेटर, और ये अपनी गाड़ी मुड़ी और ये सामने अपने क्या है विजय स्वरूप पार्क। मैं ना कानपुर पहुंच चुका हूं और अपना जो टोटल भैया से बिल लिया मैंने वो 1600 रुपए लिए हैं, और मैं बता दूं आपको जिसमें कि 250 रुपए का तो यार लग गया है टोल 1600 रुपए में से, बचा 1350 रुपए, 1350 रुपए में लगभग 400 रुपए की गैस लग गई है भाई, बचा 950 रुपए, ये 950 रुपए ही बचा है भाई अपनी इस राइड में। समय हो रहा है भाई शाम के 4:28 और कानपुर में गिर चुका है पानी। हमें लगा था खाली अकबरपुर में ही है लेकिन ऐसा नहीं है भाई, कानपुर में भी गिरा है। अभी आते टाइम हमको काफी पानी मिल गया यार, है ना। तो हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम गाड़ी चलाएं कि ना चलाएं, अगर चलाएंगे तो यार किचकिच वाला मौसम है। चलो बाकी देखते हैं, अगर चलाने वाला वो होगा तो मैं आपको बता दूंगा, और नहीं भी चलाने वाला होगा तो भी मैं आपको बता दूंगा, ले देके मैं आपको बता दूंगा जो भी रहेगा वो। ठीक है, फिलहाल अभी तक ना अपना काम 950 रुपए की बचत का हो चुका है, जिसमें कि हमने टोल का और गैस का दोनों का हटा दिया है और आपको कैलकुलेशन बता दिया है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलते हैं, वीरेंद्र स्वरूप तो आ ही चुके हैं, तो चलते हैं बढ़िया चाय वाय पीते हैं। सामने अपने ये सरताज भैया, बिल्कुल सरताज भैया और एक अमीर वाले अजय भैया, ये दोनों की गाड़ियां खड़ी, मतलब कि ये दोनों यहीं पे जो है कुछ ना कुछ इधर उधर कर रहे होंगे खुराफात, है ना दोस्तों। तो अभी ना चलते हैं, देखते हैं ये लोग कहाँ पे जो है गुफ्तगु कर रहे हैं और हम लोग भी उसी गुफ्तगु में शामिल होते हैं। ठीक है, गुफ्तगु नाम कैसा है, गुफ्तगु। चलो दोस्तों चलते हैं। मैं बता दूं आपको कि मैंने ना भाई 3 राइडें ओला से भी कर ली हैं भाई, ठीक है, जिसका टोटल ऑपरेटर बिल है 278 रुपए का। ठीक है, और गैस ना मेरी अब आई है, जो मैंने सुबह 513 रुपए की डलाई थी ना भाई, वो मेरी अब खत्म हुई है। ठीक है, और अभी टाइम तो मैं बताऊं आपको, अगर जो रियल एक्चुअल में है वो भाई 10 बजने जा रहा है, लेकिन जो राइडे थी ना ये 3, वो मैंने 8 बजे ही कंप्लीट कर ली थी भाई। ठीक है, लगभग 8:30 था केवल, इससे ज्यादा नहीं था भाई। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर ही भाई हमने 3 राइडे कंप्लीट कर ली थी भाई, एक आई उसके बाद तुरंत दूसरी आई फिर तीसरी आई। अच्छा, 278 का ऑपरेटर भी हो गया भाई और 500 की गैस पूरी खत्म हो गई, उधर अपना कितना भाई लगभग 950 रुपए वो बचा था। ठीक है, और 950 के अलावा लगभग 78-80 रुपए की गैस ये लग गई होगी, अपना 100 रुपए की जो बची थी उधर 400 निकाले थे, तो इधर ये 500 की पूरी खत्म हो गई और 200 रुपए और ऐड हो गए, तो 950 और प्लस 200 कितना हो गया, 1150 रुपए बचा है भाई आज का केवल और केवल। अच्छा, इधर 2 घंटे ना भाई हम विजयन स्वरूप पे बैठे हुए थे, आज श्लोक था और अपने सरताज भाई थे, मतलब कई सारे दोस्त थे, तो उनके साथ यार समय काट रहे थे, हमने सोचा मस्त यार थोड़ी देर बातचीत करते हैं और उसके बाद घर जाएंगे। अच्छा, दोस्तों के साथ बैठने में बाबा मजा बहुत आती है, तो इसकी वजह से यार समय का पता भी नहीं लगता, और भाई 10 बज गया इसी वजह से, है ना ब्रो। तो समय ज्यादा हो रहा है, तो अभी क्या करते क्या है दोस्तों के, चलते हैं सीधा घर और व्लॉग को करते हैं ना यहीं से एंड। बाकी चैनल को दोस्तों आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ना फटाफट से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और देखते रहें ऋषि सिंह व्लॉग्स। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।